मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। मुख्यमंत्री अभ्युदय में आपका स्वागत है। आज का जो आपका टॉपिक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का सेकेंड पार्ट, जंतुओं का संरचनात्मक संगठन। कल हमने जंतुओं के संरचनात्मक संगठन में देखा था कि थ्री जर्म लेयर होती हैं, कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। उससे चार प्रकार के टिश्यू बनते हैं। एक्टोडर्मल टिश्यू सिस्टम हमने पढ़ा था, एपिडर्मल टिश्यू जिसको कहते हैं। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक में हमने प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया था, और प्रॉपर पढ़ने के बाद क्या पढ़ा था, उसके बाद दूसरा टॉपिक था स्केलेटल टिश्यू, कंकाली ऊतक। तो कल का जो पार्ट थोड़ा इनकम्प्लीट था, वहाँ से रिलेट करते हुए हम लोग आज आगे फिर से बढ़ते हैं। देखिए कल का जो पार्ट था, इसको दो पार्ट में बांट दिया था हमने, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू था और दूसरा स्केलेटल टिश्यू। ये यहाँ पर इसको ऑलरेडी हमने कल पढ़ लिया था, इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू थे और क्या था, डेंस कनेक्टिव टिश्यू था। आज हम आते हैं स्केलेटल टिश्यू कंकालीय ऊतक। इस पार्ट में इसमें एग्जांपल क्या क्या था, बोन्स थी और कार्टिलेज था। बोन्स मने अस्थियां और कार्टिलेज मने उपास्थियां। तो बोन्स और कार्टिलेज की स्टडी हमको स्केलेटल टिश्यू में करनी है, जिसकी सिस्टमेटिक स्टडी हम यहाँ पर आज फिर से करेंगे। तो आपको पता है कि बोन्स और कार्टिलेज दोनों ही यहाँ पर स्केलेटल टिश्यू। हम इसको इरेज कर देते हैं और फिर से आते हैं बोन वाले टॉपिक पर। बोन्स जिन्हें अस्थि कहते हैं, ठीक है। ये जो बोन है यहाँ पर, इसमें तीन तरह के पदार्थ हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। इनऑर्गेनिक होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और तीसरा कैटेगरी होती है इसमें वाटर, ठीक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अप्रॉक्सिमेटली 45% होते हैं, ये लगभग 35% होते हैं, और ये लगभग 20% इतना भाग। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मने अकार्बनिक पदार्थों में, ठीक है ना, बोल हाँ, अकार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत फॉस्फेट्स एंड कार्बोनेट्स और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मेनली फॉस्फेट होते हैं कैल्शियम के और मैग्नीशियम के, और जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है इसमें, उसमें जो प्रोटीन पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड द ओसीड प्रोटीन के रूप में यहाँ पर ऑर्गेनिक सब्सटेंस पाया जाता है। और रेस्ट ऑफ द कैटेगरी में क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें अगर हम इसको HCl में डाल दें, HCl अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाल देंगे, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हड्डी क्या हो जाएगी, बोन डीकैल्सिफाइड एंड ओनली ऑर्गेनिक सब्सटेंस, केवल ऑर्गेनिक पदार्थ रह जाएंगे, हड्डी क्या हो जाएगी, डीकैल्सिफाइड हो जाएगी, ठीक। फिर इसके बाद हम यहाँ पर इसको फिर से एरेस्ट करते हैं और ऊपर आना पड़ेगा। तो बर्निंग
अगर हम हड्डी को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पर? ओनली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, केवल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, केवल अकार्बनिक पदार्थ बच जाएंगे। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, इन KOH, अगर हम KOH फैला दें, ओनली मसल्स डिसॉल्व, केवल जो मसल्स उस पर लगी हुई हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगी, बाकी पूरी बोन, इंटैक्ट बोन प्राप्त हो जाएगी हमको। ये बोन के बारे में जनरल जानकारी की सामान्य चाहिए। अब जो बोन्स होती हैं यहाँ पर, द सेल्स ऑफ बोन नोन एज ऑस्टियोब्लास्ट प्रेजेंट इन लैकुना, छोटे छोटे से गर्त होते हैं, उस गर्त को लैकुना कहते हैं। इस गर्त के अंदर यहाँ पर ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं, ये वर्टिकल सेक्शन ऑफ बोन है, और चारों ओर से जिस लेयर से ढकी होती है यहाँ पर, तो वहाँ पर क्या कहते हैं इसको, पेरिओस्टियम। लैकुना के अंदर क्या है, ये ऑस्टियोब्लास्ट, और ऑस्टियोब्लास्ट जो कोशिकाएं होती हैं वो बाद में बदल जाती है इसमें ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, और ऑस्टियोसाइट से मिलकर ही क्या बनती है, हड्डी बनती है, और एक कोशिकाएं होती है ऑस्टियोब्लास्ट, क्या होती है पर फैगोसाइट्स। ये भक्षक कोशिकाएं होती है, क्या कहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बोन्स, हड्डियों के प्रकार कितने होते हैं, क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर, टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, निर्माण के आधार पर, द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, निर्माण के आधार पर जो हड्डियाँ होती हैं बोन्स, वो थ्री टाइप्स की होती हैं, बोन्स आर और टाइप्स। कौन कौन सी तीन कैटेगरी हैं, पहला है यहाँ पर कार्टिलेजिनस, उन्हीं का एक नाम है, इसको कहते हैं यहाँ पर नौकरी करके रिप्लेसिंग। ठीक, बोर्ड में कवर कर रहा है यहाँ तक कह रही है। ठीक, इसको हिंदी में कहते हैं उपास्थि जाल, जब दूसरा नाम है यहाँ पर प्रतिस्थापी, ये जो कार्टिलेज बोन होती है या फॉर्म बाय ऑसिफिकेशन कार्टिलेज, उपास्थि के ऊपर अस्थि भवन के द्वारा बनने वाली हड्डियां उपास्थि जात कहलाती है। एग्जाम्पल है यहाँ पर मोस्ट ऑफ द अधिकांश हड्डियां इसी प्रकार की होती हैं, इन्हें कार्टिलेजनस या उपास्थि जात कहते हैं। दूसरी तरह की जो बोन है उसे कहते हैं मेम्ब्रेनस, या कहते हैं डर्मल, या कहते हैं इन्वेस्टिंग बोन, हिंदी में कहते हैं यहां पर कला जात। ये जो हड्डियां होती हैं ये आर फॉर्म्ड
डायरेक्टली बाई ओसिफिकेशन, सीधे सीधे ओसिफिकेशन प्रक्रिया के द्वारा इकट्ठी बनती है। और इसमें एग्जाम्पल क्या है, हमारी क्रेनियल बोन्स जो कपाल की चपटी हड्डियाँ होती हैं वो यहाँ पर मेम्ब्रेनस बोन या डर्मल बोन्स कहलाती हैं। ये तीसरी कैटेगरी है। तो तीसरी कैटेगरी है हमारी यहाँ पर बोन्स की, ठीक है, वो क्या है यहाँ पर सेस्मॉइड बोन कहते हैं। ठीक है, कैसे बनती हैं, दे आर फॉर्म्ड बाई ऑसिफिकेशन ऑन लिगामेंट या टेंडन, कंडरा या स्नायु पर ऑसिफिकेशन प्रक्रिया के फलस्वरूप बनने वाली हड्डी सेस्मॉइड कहलाती है। एग्जाम्पल है नी कैप, नी कैप का एक और नाम है पटेला कहते हैं, ये वाली, ठीक है ना, ये नी कैप की हड्डी क्या है, सेस्मॉइड। तीन तरह की मेन बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं जो आपने यहाँ पर पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन है, फीमर हो सकती है, पैर की, ह्यूमरस हो सकती है, हाँ हाथ की। यहाँ पर ये जो कॉर्नर्स हैं, ठीक है ना, ये इस जगह पर ये होती है स्पंज, और बीच में क्या होती है यहाँ पर कॉम्पैक्ट। यहाँ पर क्या होता है, बोन मैन होता है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, इसका शेफ्ट कहलाता है, शेफ्ट। ये क्या कहलाता है, कॉर्नर एपिफाइसिस कहलाते हैं। तो एपिफाइसिस में यहाँ पर ये स्पंजी पार्ट होता है, जबकि बीच में बोन मैरो होता है जो आरबीसी बनाता है, इसलिए कॉम्पैक्ट बोन कहलाता है। यहीं पर बोन मैरो के अंदर आरबीसी बनते हैं, बाद में आरबीसी बनने का काम स्टर्नम और रिप्स में आ जाता है मेडी, ठीक है, ये लॉन्ग बोन्स की कहते हैं। हम आते हैं यहाँ पर बोन्स के बाद कार्टिलेज, हिंदी में कहते हैं पास, लेस हार्ड की तुलना में क्या होती है, ये कम हार्ड होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उपास कहते हैं। अब देखिए आप इस उपास में जो मेन सब्सटेंस होता है, मेन सब्सटेंस कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है, प्रोटीन होती है उसको क्या कहते हैं यहाँ पर कॉन्ड्रिन, ठीक है, इसकी जो सेल्स होती हैं उसे कहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट, क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं, प्रोटीन को कॉन्ड्रिन कहते हैं, मेन सब्सटेंस कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट होता है। और ये जो कार्टिलेज उपास्थ होती है इसमें एवर्शन सिस्टम नहीं पाया जाता, नो एवर्शन सिस्टम फाउंड, बट प्रेजेंट इन बोन्स, हड्डियों में एवर्शन तंत्र के थ्रू जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है या ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो पाया जाता है, बोन्स में यहाँ पर कार्टिलेज में नहीं पाया जाता। अब कार्टिलेज जो है यहाँ पर उपास की तीन प्रकार की होती है, कार्टिलेज और
प्रकार की उपास्थिति होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है यहाँ पर हाइलिंगा, ठीक है, कैसा नाम है? हाइलिंगा। दूसरी है यहाँ पर इलास्टिक कार्टिलेज, तीसरा फाइबस, इलास्टिक कार्टिलेज। तीसरी कैटेगरी है यहाँ पर जो हाइलिंगा कार्टिलेज होती है वो सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है, या जेली नुमा होती है। इस प्रकार की उपास्थि जो है हाइलिंगा कार्टिलेज कहलाती है और इसमें फाइबर्स नहीं होते और क्या होता है कैटेगरी से थायराइड पाए जाते हैं, फाइबर्स नॉट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? थायराइड का, थायराइड जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके अंदर रिक्वायर्ड है आर्टिनोइड, कई तरह की कार्टिलेज होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर और क्या हो सकता है? ट्रैकियल लिंक्स हो सकते हैं। ट्रैकियल लिंक्स आप जानते हैं ये हमारी जो ट्रैकिया आई है श्वास नली, इसमें गोल गोल छल्ले पड़े हुए हैं ताकि ये जो है ना पिचक जाए ना फैले वहाँ पर। दूसरी जो इलास्टिक कार्टिलेज है इलास्टिक कार्टिलेज को क्या कहते हैं यहां पर? प्रत्यास्थ, ठीक है, ड्यू टू इलास्टिसिटी। इसमें बहुत ज्यादा लोच हो रही है, लोच क्या पाई जाती है? लोच पाई जाती है, इलास्टिसिटी पाई जाती है, प्रत्यास्थता पाई जाती है। और इस प्रकार के जो कार्टिलेजर्स में येलो फाइबर्स होते हैं, येलो फाइबर्स, ठीक है। एग्जांपल देखिए आप क्या है आपके अंदर, इसकी जो एग्जांपल है क्या पाया जाएगा? एपिग्लॉटिस पिन्ना, ये देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट, ये एग्जांपल है पिन्ना, हिंदी में कहते हैं कर्ण पल्लव और एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर श्वास द्वार के ऊपर एक ढक्कन लगा होता है एपिग्लॉटिस, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, दैट्स एपिग्लॉटिस। ये भी इलास्टिक कार्टिलेज है। अब यहाँ पर जो फाइबर्स कार्टिलेज है तो फाइबर्स प्रेजेंट, बहुत तरह के इसमें फाइबर्स होते हैं और क्या होती है? हार्डेस्ट होती है, जितने भी कार्टिलेज पाए जाते हैं उसमें ये हार्डेस्ट या टफेस्ट होती है, तब इसको क्या कहते हैं? फाइबर्स कार्टिलेज कहते हैं। पेरिकोंडियम पाया जाता है, पेरिकोंडियम उपास्थि को चारों ओर से ढकने में पेरिकोंडियम कहलाती है, पेरिकोंडियम इसमें पाया जाता है। फिर इसके अलावा येलो एंड वाइट फाइबर्स, येलो वाइट फाइबर्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? इंटर वर्टिब्रल डिस्क, जो हमारी वर्टिब्री है कशेरुका, उसके बीच बीच में जो जॉइंट्स हैं वो कार्टिलेज के हैं, ठीक है ना, ताकि फ्रिक्शन ना हो, घर्षण ना हो, इंटर वर्टिब्रल फाइबर्स कार्टिलेज पाई जाती है। हमने अभी आपको स्केलेटल टिश्यू में कार्टिलेज बता दिया और क्या बता दिया? बोन बता दिया। अब आप इसमें एक चीज अपनी जानकारी के लिए समझ लीजिए, यहाँ पर लिगामेंट और टेंडन की बार बार बात होती है, इसकी लिगामेंट और टेंडन। लिगामेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? लिगामेंट, स्नायु। टेंडन
नॉन को क्या कहते हैं? कंडरा। बोन टू बोन ज्वाइंट, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली रचना क्या है? लिगामेंट है। एंड बोन टू मसल ज्वाइंट, को मांसपेशियों से जोड़ने वाली जो रचना है उसे क्या कहते हैं? टेंडन या कंडरा कहते हैं। ठीक है, स्केलेटल टिश्यू आपका पूरा हो गया। स्केलेटल टिश्यू के बाद हम आते हैं इसमें नेक्स्ट टिश्यू में, वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक, इसमें एग्जांपल है आपका ब्लड और रक्त है और यस क्या है। हम पहले किसमें आते हैं? ब्लड में। कैसा होता है ब्लड? यहाँ पर सबसे बेहतर ये समझ लीजिए कि विस्कस होता है, गाढ़ा होता है। ठीक है, विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। कैसे पीएच कैसा होता है? मोर देन 7 से ज़्यादा होता है। इसका मतलब स्लाइटली कैसा है? एल्कलाइन, हल्का क्षारीय है। ठीक है, फिर इसके बाद कैसा है? ये श्यान है, पीएच 7 से ज़्यादा है, गाढ़ा है और 5 to approximately 8% ऑफ बॉडी वेट, शरीर के भार का लगभग 7 to 8% होता है। ठीक है, कैसा होता है यहाँ पर? रेडिश इन कलर। मैं ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा हूँ। लाल रंग का होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन। अब जो रक्त है, रक्त में दो भाग होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है यहाँ पर प्लाज्मा, ब्लड को पार्टिसिपेट करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दो पार्ट में, को कहते हैं प्लाज्मा और एक को कहते हैं यहाँ पर ब्लड और मसल्स, रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली 91% तरल भाग होता है रक्त का, 91% भाग बनाता है। ठीक है, 55% भाग, सॉरी ये कितना होता है? 45%। अब इसमें कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 90% वाटर, लगभग 91% जल होता है। कैसा होता है? स्लाइटली येलो, हल्के पीले रंग का होता है, स्लाइटली येलो, हल्के पीले रंग का है। ठीक है ना, कैसा है? एल्कलाइन है, क्षारीय है। फिर कंटेन्स वेरियस सब्सटेंस, इसमें बहुत सारे पदार्थ होते हैं। इसमें प्लाज्मा में कौन कौन से होते हैं वो पदार्थ यहाँ पर है। पहली बात तो डिसॉल्व गैसेस होती हैं, गैसें खुली होती हैं, डिसॉल्व गैसेस। ठीक है ना, उसमें O2 हो सकती है, CO2 हो सकती है, N2 हो सकती है, एक्सेट्रा। इसके अलावा यहाँ पर इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक साल्ट हो सकते हैं, उसमें NaCl हो सकता है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब पदार्थ हो सकते हैं। ठीक है, आयन्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन्स हो सकते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर एक पदार्थ पाया जाता है हिपेरिन। हिपेरिन क्या है? एंटीकोगुलेंट है, रक्त को जमने से रोकने वाला पदार्थ एंटीकोगुलेंट कहलाता पाया जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, एंटीबॉडीज। इसमें एग्जाम्पल है इम्यूनोग्लोबुलिन, ये पाया जाएगा। फिर इसके बाद क्या पाया जाएगा? प्रोटीन, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में
से पाई जाती है क्लॉटिंग प्रोटीन। कौन कौन सी है प्रोटीन? फाइब्रिनोजन और प्रोथाम्बिन। ये क्लॉटिंग प्रोटीन रक्त को जमने के लिए हेल्प करने वाली प्रोटीन क्लॉटिंग प्रोटीन पाई जाती है, वो अग्नि सब्सटेंस से पाई जाती है। फिर इसके अलावा और भी तरह तरह के हार्मोन्स पाए जाते हैं, यूरिया पाया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वेरियस सब्सटेंस इसमें पाए जा सकते हैं। किसमें? ये सारे पदार्थ किसमें थे? प्लाज्मा। ठीक है, अब प्लाज्मा की बात आते हैं किसमें? ब्लड कॉर्पसेस में, रक्त कणिकाओं में। ब्लड कॉर्पसेस ये कुल 45% भाग बनाते हैं, 45%। ठीक है, रक्त का। अब रक्त कणिकाएं जो है यहाँ पर तीन तरह की हैं। कौन कौन सी हैं? एक का नाम है RBC, दूसरे का नाम है WBC और तीसरे का नाम है platelets। हमको तीनों को अलग अलग स्टडी करना है, RBC को भी, WBC को और platelets को। यहाँ पर डाल देते हैं, हम आते हैं CSP किसमें? रेड ब्लड कॉर्पस फर्स्ट नंबर। देखिए कम है, ऐसे शॉर्ट में आप देख सकते हैं लिखा होता है रेड ब्लड कॉर्पस, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, क्या होती है ये? 99.9% ऑफ टोटल कॉर्पसेस, कुल रक्त कणिकाओं का 99.9% भाग बनाती है। ठीक है, और कैसी होती हैं? वाई कॉनकेव ऐसी, उभयावतल कहते हैं इसको। ठीक है, ई न्यूक्लिएटेड माने क्या होता है? केंद्रक रहित, केंद्रक नहीं पाया जाता इसमें, केंद्रक रहित होती है। फिर इसके बाद और क्या रचना पाई जाएगी इसमें? कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता, और कोशिकांग ना पाए जाने केंद्रक रहित होती हैं, वाई कॉनकेव होती हैं, और बहुत छोटे साइज की होती है। हीमोग्लोबिन जो पदार्थ पाया जाता है उसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, आयरन लॉ है कंबाइंस विद ऑक्सीजन। ये क्या करता है? ऑक्सीजन से कंबाइन करता है टू मेक ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एक पदार्थ बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है ना, किस रंग का होता है? ब्राइट रेड कलर, चमकीले लाल रंग का होता है, जिसके कारण से हमारा रक्त लाल दिखाई देता है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, अब RBC के बारे में अगर हम यहाँ पर सामान्य जानकारी पढ़ रहे हैं, अब RBC का जो लाइफ स्पॉन होता है, जीवन काल, लाइफ स्पॉन होता है जीवन काल यहाँ पर 90 से 120 दिन। ठीक है, फॉर्मेशन या निर्माण कहाँ होता है? RBC का निर्माण होता है लीवर में। किस अवस्था में? भ्रूणावस्था। ठीक है, फिर निर्माण कहाँ होता है यहाँ पर? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में बनता है, लीवर में बनता है। ठीक है, और ब्लड बैंक के रूप में कौन काम करता है? स्प्लीन काम करता है, यहाँ पर इसका निर्माण होता है, 90 से 120 दिन जीवन काल होता है। और स्प्लीन क्या करता है? अक्षण का कार्य। जितने भी डेड RBC हो जाते हैं उनका जीवन काल पूरा हो जाता है, उसको भक्षण का कार्य क्या करता है? स्प्लीन करता है। अब अगर RBC की कमी हो जाए तो कहते हैं एनीमिया। एनीमिया का मतलब है यहाँ पर लॉस ऑफ RBC, RBC की संख्या कम होने की दशा एनीमिया माने रक्त क्षीणता कहलाती है। अब एक वर्ड आता है
इज द पॉलीसाइक्लिनिया, दिस इज द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ आरबीसी, आरबीसी की संख्या बढ़ जा रही है, लार्ज नंबर ऑफ आरबीसी या इनॉर्मस इंक्रीज इन आरबीसी, बहुत ज्यादा संख्या बढ़ जा रही है तो उसको कहते हैं पॉलीसाइक्लिनिया, ठीक है। तो एनीमिया रक्तहीनता को कहते हैं संख्या कम होने को, पॉलीसाइक्लिनिया कहते हैं संख्या बढ़ने की दशा कहते हैं। अब हम आरबीसी के बारे में और थोड़ी जानकारी करते हैं। तो आरबीसी में यहाँ पर एक होता है रोलेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। तो रोलेक्स फॉर्मेशन एक होता है होस्ट, आरबीसी को अगर हम इसमें रखते हैं यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक विलयन में रखने पर ये फट जाते हैं, क्या कर जाते हैं, ब्लास्ट कर जाएंगे, फट जाते हैं, जिससे रिक्त आरबीसी जब फट जाएंगे तो हीमोग्लोबिन बाहर निकल जाएगा, जो रिक्त आरबीसी होगा उसको कहेंगे शैडो या घोस्ट कहलाता है। अब एक होता है यहां पर रोलेक्स फॉर्मेशन, आरबीसी सिक्कों के ढेर की भांति, सिक्कों के ढेर की भांति एक के ऊपर एकत्र होकर क्या करते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन, निर्माण भी इसको कहते हैं सामान्य भाषा। ये आरबीसी के बारे में सामान्य जानकारी थी, साइज कितना होता है, शेप कितना होता है, कैसा होता है, कहाँ पाए जाते, कहाँ नहीं पाए जाते। स्तनधारियों में कैमल ही है, ऊंट है, जिसमें आरबीसी केंद्रक युक्त होते हैं, अदरवाइज केंद्रक नहीं होता। शुरुआत में पाया जाता है इनिशियल स्टेज में, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, वो मैच्योर होती है, तो उसका केंद्रक विलुप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और सारे कोशिकांग भी नष्ट हो जाते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर डब्ल्यू बी सी, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है ना। श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या होती है 0.1% ऑफ टोटल, क्या होते हैं कॉर्पसेल्स, कुल रक्त कणिकाओं का 0.1% भाग बनाती हैं। और आरबीसी की संख्या कितनी थी, 45,00,000 से 55,00,000 और 5,000 से 9,000 पर मिलीलीटर होती है। आरबीसी काउंट ऑफ आरबीसी 45,00,000 से 55,00,000 पर मिलीलीटर, आरबीसी की संख्या 45,00,000 से 55,00,000 है, लेकिन डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत कम है उसकी तुलना, ठीक है ना, 5,000 से 9,000। क्या होते हैं ये, केंद्रक युक्त होते हैं, केंद्रक युक्त होते हैं, अनियमित आकृति, अनियमित, ठीक है। जीवन काल फ्यू आवर्स, कुछ घंटे से और 4 दिन तक का हो सकता है, ठीक। अब आरबीसी जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं यहाँ पर ग्रैनुलोसाइट्स, दूसरे को कहते हैं एक कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी। ये कैसे होते हैं, इसका कोशिका द्रव्य में बिल्कुल प्लेन स्वच्छ होता है, कणिका विहीन,
इसका एक और नाम है जल्दी, इसका इसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और आरबीसी का एक और नाम है उसको क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट कहते हैं। तो कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी और कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी दो तरह के डब्ल्यूबीसी हैं, ठीक है। तो ग्रैनुलोसाइट्स से किसके आधार पर बांटा गया है? कोशिका द्रव्य में पदार्थों की उपस्थिति, इसको तीन पार्ट में फिर बांट दिया, इसको बांट दिया एसिडोफिल। इसका एक और नाम है इओसिनोफिल। कैटेगरी है बेसोफिल, तीसरी है न्यूट्रोफिल। एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, ये अप्रॉक्सीमेटली 2% होती है, ये 1% होती है, ये 67% होती है। ये अम्लीय अभिरंजक, अम्लीय अभिरंजक ग्रहण, ठीक है, अम्लीय अभिरंजक ग्रहण करेगी। और अम्लीय अभिरंजक में क्या आता है? इओसिन। ये क्षारीय अभिरंजन, नाम है मेथिलीन ब्लू। ग्रहण करती है दोनों प्रकार के अभिरंजन, ठीक है। तो एसिडोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, न्यूट्रोफिल हो गया। इसमें न्यूक्लियस के आधार पर द्विलोब, इसमें केंद्र कैसा है? द्विलोब्ड है। कैसा है? एस की आकृति का है, एस शेप। इसमें केंद्रक कैसा है? मल्टी लोब। ठीक है, अब हम आते हैं ए ग्रैनुलोसाइट में। इसमें कोशिका द्रव्य कणिका भिन्न होता है। इसमें दो कैटेगरी हैं, एक को कहते हैं लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, तो कहते हैं यहां पर मोनोसाइट्स, ठीक है ना। क्या क्या है? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये लगभग 27% होती है और ये लगभग 3% होती है। ये लार्जेस्ट होती है मोनोसाइट, सबसे बड़े आकार की। यहां पर डब्ल्यूबीसी और क्या कहते हैं? मोनोसाइट्स कहते हैं। इसका काम मेनली भक्षण का है, लिम्फोसाइट का और मोनोसाइट्स का। अब कुल डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है वो यहाँ पर टीएलसी कहलाती है, टीएलसी एंड डीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। और टीएलसी क्या है? डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डब्ल्यूबीसी के अलग अलग भागों की संख्या, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, तो क्या कहलाती है यहाँ पर? टीएलसी कहलाती है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इसमें प्लेटलेट्स। भक्षण का कार्य है, हानिकारक पदार्थों से सुरक्षा देने का कार्य प्लेटलेट्स। ये 2 से 4 लाख पर मिलीलीटर की होती है, ठीक है। ओनली इन मैमल्स, केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। ओनली इन मैमल्स स्तनधारी पाई जाती है। और फंक्शन क्या है? फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग, रक्त के जमने में क्या करना? सहायता करना। और होते क्या है ये? मेगा कैरियोसाइट्स, मेगा कैरियोसाइट्स के उनके हुए, ठीक
की संख्या 2 लाख से 4 लाख पर मिलीमीटर क्यूब होती है। तो ये अभी आप पढ़ रहे थे WBC के बारे में, फिर पढ़ रहे प्लेटलेट्स के बारे में, और फंक्शन आपको पता है ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का जमाने में फाइब्रिनोजन और प्रोथाम्बिन प्रोटीन भी सहायता करती है, और हिपेरिन नामक एंटीकोगुलेंट जब तक शरीर के अंदर रक्त रहता है तो उसको तरल अवस्था बना रहता, जमने नहीं देता। कब जमाने में हेल्प करता है? जब चोट लगने पर रक्त बाहर आता है तब। फिर इसके बाद हम आते हैं लिम्फ में। लसिका दो प्रकार के तरल कनेक्टिव टिश्यू के तरल संयोजन। लसिका क्या होता है? ये हमारी यहाँ पर रक्तवाहिनी है, रक्तवाहिनियों से लगातार जो ब्लड वेसिकल कैपिलरी, ब्लड ब्लड कैपिलरी से लगातार जो लिक्विड बाहर आ रहा है, यह है टिश्यू फ्लूइड ऊतक द्रव्य। इस ऊतक द्रव्य का कुछ भाग वापस जिन केशिकाओं द्वारा अवशोषित होता है वो है लसिका केशिकाएं, और वो लसिका केशिकाएं ये लसिका केशिका, और ये लसिका केशिकाएं अतिरिक्त तरल जो रक्त केशिका से निकला हुआ है उसको वापस हृदय पहुंचा देती हैं, और क्या करती हैं यहाँ पर ब्लड माइनस RBC, रक्त से अगर RBC को हटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? लिम्फ बन जाएगा। तो केवल RBC नहीं हटाना है, रक्त से RBC के साथ साथ यहाँ पर जितने भी पोषक पदार्थ, तो लसिका में क्या होता है, लिम्फ कंटेंस लॉट ऑफ लिक्विड, ये कलरलेस होता है तो इसमें RBC नहीं होती, लॉट ऑफ CO2, ठीक है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस अपशिष्ट पदार्थ एंड मोर्ड, ये पदार्थ पाया जाता है, और जो स्प्लीन होता है प्लीहा, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड, ये लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं लसिका अंदर। और लिम्फोइड ऑर्गन्स का फंक्शन क्या होता है? इसका जो फंक्शन है, हानिकारक पदार्थों का भक्षण, शरीर की सुरक्षा करना, हानिकारक पदार्थों का भक्षण, ठीक है। अब ये तरल संयोजी ऊतक भी कंप्लीट हो गया, हम आते हैं नेक्स्ट में नर्वस टिश्यू। तंत्रिका ऊतक कहते हैं एक्टोडर्मल होता है, कैसा है? एक्टोडर्मल। इसके बाद किससे मिलकर बना है? मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लायल सेल्स। ये क्या होते हैं यहाँ पर? सपोर्टिव सेल्स होते हैं, सपोर्टिव सेल्स, और ये न्यूरॉन्स हैं। ये तंत्रिका तंत्र की क्या है यहाँ पर? इकाई है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, संरचनात्मक और क्रियात्मक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन्स। हम पहले न्यूरॉन के बारे में पढ़ते हैं। न्यूरॉन हमारे शरीर में, पूरे शरीर में
सूचनाओं के स्थानांतरण के लिए जो नेटवर्क फैला है, जैसे बिजली के वायर कमरे फैला देते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए, उसी तरह सूचना प्रसारण के लिए यहाँ पर तंत्रिकाओं का जाल फैला हुआ है। क्या ये लॉन्गेस्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड सेल ऑफ द बॉडी, कॉम्प्लिकेटेड सेल ऑफ द सबसे लंबी कोशिका है और कॉम्प्लिकेटेड होती है। अब अगर इसमें एक्सॉन और जो है डेंडॉन दो पार्ट होते हैं, उसके हिसाब से देखा जाए तो हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर ये न्यूरॉन का डिवाइडेशन है नॉन पोलर न्यूरॉन, दूसरा वाई पोलर न्यूरॉन और नेक्स्ट मल्टी पोलर। तंत्रिका तंत्र की शुरुआत संघ निडेरिया से हुई, तो ये है आध्रुवीय। एग्जाम्पल क्या है इसमें, निडेरिया संघ के जन्म, निडेरिया में हाइड्रा आता है, निडेरिया संघ के। यहां पर देयर इज नो डिफ्रेंसिएशन ऑफ, यहां एक्सॉन वा पोलर में एक ध्रुवीय कहते हैं इसको, एक ओनली वन फाइबर विच डिवाइड्स है स्पाइनल कॉर्ड जो तंत्रिका रज्जु के जो हैं। क्या एग्जांपल है इसमें, स्पाइनल कॉर्ड तंत्रिका रज्जु के न्यूरॉन है वो इसी कैटेगरी के हैं, कौन से, यूनिपोलर। फिर हम आते हैं बाईपोलर में, ओनली वन बाईपोलर में क्या कहते हैं, द्विध्रुवीय। एग्जाम्पल क्या है, ईयर एंड आई, कान में और आंखों में, आंख में रेटिना में और कान में स्थिति पाए जाते हैं, मल्टीपोल बहुत ध्रुवीय है। यही ज्यादातर पाए जाते हैं, है इसको पढ़ रहे हैं मल्टीपोलर। मल्टीपोलर बना रहे हैं साइट
का काय जब ओवल आर राउंडेड गोलाकार या अंडाकार तंत्रिका कोशिका का भाग जिसमें एक स्पष्ट केंद्रक होता है न्यूक्लियस और इसके अलावा ढेर सारे आरएनए एकल होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करते हैं जिसे कहते हैं निसल्स ग्रैन्यूल निसल एकल कहते हैं। इस साइटोन पार्ट से अनेक प्रवर्ध निकलते हैं, ऐसे प्रवर्ध जो एक से अधिक हैं और आधार पर मोटे और छोर पर पतले होते जा रहे हैं ये कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं डेंड्राइट्स? ये कहते हैं वृक्षिकांत। और एक सिंगल आशाखित प्रवर्ध निकलता है जो केवल छोर पर शाखा निकलता है, उसे कहते हैं एक्सॉन। हिंदी में कहते हैं अक्षतंतु। एक्सॉन इज डिवाइडेड द नोड एंड इंटरनोड। ये नोड और इंटरनोड में बटा होता है। इसके ऊपर यहाँ पर क्या पाई जाती है? न्यूरीलेमा नामक शीथ पाई जाती है और छोर पर शाखांकित होता है, इसको कहते हैं टेलोडेंड्रिया। और ये स्ट्रक्चर कहलाते हैं यहाँ पर एक्सॉन बटन। दिस इज द मल्टीपोलर न्यूरॉन। शरीर में अधिकांश न्यूरॉन इसी तरह के हैं जो मल्टीपोलर बहुत होनी हैं। डेंड्राइट उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं, दे रिसीव द स्टिमुलस। क्या करते हैं? उद्दीपन ग्रहण करता। और ये क्या करते हैं? उद्दीपन को साइटोन से दूर ले जाते हैं। दूर में मस्तिष्क में भी ले जा सकते हैं, मस्तिष्क से दूर भी ला सकते हैं। ये मल्टीपोलर बहुध्रुवीय न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है? ये आ रहे बोर्ड आपका चेक। अब हम आते हैं इसके बाद नर्व। आउटर मोस्ट लेयर है और ये कौन सी लेयर है? ये इनर मोस्ट लेयर। इस तरह से तंत्रिका थ्री लेयर से क्या होती है? थ्री होती है। और अकॉर्डिंग टू नेचर मोटर। सेंसरी को हिंदी में
कहते हैं संवेदी, इसको कहते हैं विशालक, और इसको कहते हैं मिश्रित। संवेदी का एक और नाम है इसे एफरेंट भी कहते हैं। ये कहते हैं यहाँ पर अभिवाही। इसका एक और नाम है इसको कहते हैं इफरेंट, कहते हैं अपवादी। ये क्या करती है, ईपन को कहां से ले जा रही है, संवेदी है, यहां से टच किया, कहां पहुंचा दिया, साइटोन से दूर ले जा रही है। कहा जा सकती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, हमारी जो रेटिना से निकल रही है नर्व, ठीक है, वो कहाँ ले जा रही है, रेटिना से मैसेज को कहाँ तक पहुँचा रही है, ब्रेन में, ठीक है। तो हमारी जो यहाँ पर श्रवण सॉरी दृष्टि तंत्रिका ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व हो गई, ऑडिटरी नर्व हो गई, श्रवण तंत्रिका, ठीक है। उद्दीपन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहां तक, क्रियात्मक अंग तक, लाने। और ये दोनों प्रकार फाइबर्स, ठीक है, वेगस का एग्जाम्पल ऐसा है, वेगस ट्राइजेमिनल भी डिस्ट्रोट की है, ट्राइजेमिनल ट्रिक हो गया, हो गया नर्वस टिश्यू कंप्लीट हो गया आपका। नर्वस टिश्यू के बाद हम आते हैं इसमें यहाँ पर मस्कुलर टिश्यू में आते हैं। मस्कुलर चौथा टिश्यू है, हिंदी में कहते हैं पेशीय ऊतक। क्लियर आ रहा है बोर्ड? जो पेशीय ऊतक है मस्कुलर टिश्यू, वो ईसोडर्मल होता है, टोटल 639 मसल्स होती हैं ह्यूमन मनुष्य। अब इसमें मसल्स बहुत तरह की हैं, अलग अलग है, जैसे लार्जेस्ट मसल अलग है, लॉन्गेस्ट अलग है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट अलग है, शॉर्टेस्ट अलग है, सबका नाम हमको अलग अलग पढ़ना है, कौन सी मसल किस तरह की है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ल्यूटियस मैक्सिमस, ये हिप में पाई जाती है, ये लार्जेस्ट मसल है, ठीक है, मुझे लॉन्गेस्ट है वो सार्टोरियस, बैक में पीछे की तरफ पाई जाती है, ये लॉन्गेस्ट मसल, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल की बात आती है वो मैसेटर है, मैसेटर कहाँ पाई जाती है, जबड़े, जबड़े में पाई जाती है स्ट्रॉन्गेस्ट है, और एक छोट मध्यकर्ण में एक बोन होती है मैलियस इनकस स्टेपीज, स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है, उसके कनेक्ट होती है उसके पेडियल है, और वो कहाँ होती है, मिडिल ईयर में होती है, वो सबसे छोटी मसल है। इसके अलावा और भी बहुत तरह की मसल हैं, ठीक है, ये आपका मेन मेन मसल, ठीक। अब जो मसल होते हैं वो मसल फाइबर से मिलकर बनते हैं, किससे बने होते हैं, मसल फाइबर से, ठीक है।
द यूनिट ऑफ मस्कुलर टिश्यू, जो मस्कुलर टिश्यू की यूनिट है वो है मसल सेल। क्या कहते हैं? मसल सेल या मसल फाइबर कहते हैं। और इसकी इट्स आउटर मोस्ट कवरिंग, इट्स आउटर मोस्ट कवरिंग सार्कोलेमा, क्या कहलाती है? सार्कोलेमा। एंड साइटोप्लाज्म, जो कोशिका द्रव्य होता है उसको क्या कहते हैं यहाँ पर? सार्कोप्लाज्म। अब जो हमारी मसल सेल थी वो तीन तरह की होती। कौन कौन सी तीन तरह की होती है मसल सेल? थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स। एक को कहते हैं यहाँ पर अनस्ट्राइप्ड, दूसरी है यहाँ पर स्ट्राइप, इसी है यहाँ पर कार्डियो। हिंदी में कहते हैं इसको आरेख। अनस्ट्राइप मैंने आरेखित, और अनस्ट्राइप को यहाँ पर इनवॉलेंट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनवॉलेंट्री में कहते हैं अनेक्शन। ऐसी मसल जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है, ठीक है, कहते हैं, क्योंकि इसमें गहरे और हल्के रंग की अल्टरनेट पेशियां नहीं पाई जाती। और जो अनैच्छिक पेशियां हैं वो कहां पाई जाएंगी? इन एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल में पाई जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा कहां पाई? यूरिनरी ब्लैडर में पाई जाएंगी। हमारी इच्छा से काम नहीं कर रही है। स्ट्राइप्ड होती है उसका दूसरा नाम है वॉलेंट्री भी कहते हैं, ठीक है, रेखित भी कहते हैं और ऐच्छिक भी कहते हैं। गहरे और हल्के रंग की लगातार पट्टियां होती हैं, ठीक है, यहाँ पर डार्क बैंड, और ये क्या है यहाँ पर? लाइट। इस तरह की पेशियां रेखित होती हैं, मल्टी न्यूक्लेटेड होती हैं, हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। और एग्जांपल क्या है यहाँ पर? लिम्स में पाई जाती है, लिम मसल्स। तीसरी कार्डियक मसल्स है, रक्त पेशियां कहते हैं। ऐच्छिक व अनैच्छिक, ऐच्छिक व अनैच्छिक दोनों पेशियों के क्या होते हैं? लक्षण होते हैं। हृदय में पाई जाती हैं, जीवन भर बिना थके लगातार कार्य कर सकती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड मने बहुकेंद्रकीय होती हैं, और बहुकेंद्रकीय होने के अलावा हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती हैं, इसीलिए यहाँ पर अनैच्छिक का वर्ग ज़्यादा है और ऐच्छिक का फंक्शन कम है। ये हृदय पेशियाँ हैं, हार्ट में पाई जाती हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो है लेयर्स हैं, बॉडी वॉल, और है उसको फिर से क्या किया गया है?
के पार्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये आपको देखना है। अब हम मेन पॉइंट इसमें आते हैं इंटेगमेंट में, और इंटेगमेंट को फिर से डिवाइड कर दिया है स्किन और स्किन डेरिवेटिव। स्किन है और दूसरा है स्किन डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब स्किन को फिर से डिवाइड कर दिया है एपिडर्मिस में और इसमें और डर्मिस। अब हमने जो इसको फिर से डिवाइड कर दिया है यहाँ पर, उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है इसमें आ जाती हैं ग्लैंड्स, इनकी स्टडी हम कर चुके हैं। हमको मेन पॉइंट इसमें आया है एपिडर्मिस में क्या होता है, आउटर मोस्ट सरफेस, ठीक है, या कि हम कह सकते हैं आउटर सरफेस। अब स्क्वेमस एपिथीलियम की बनी होती है, वो भी कैसी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम। हमको मेन पार्ट क्या देखना है, एपिडर्मिस, ठीक है। अब इसमें एपिडर्मिस में contains five sub layers, इसमें पांच सब लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी होती है, स्टेटम जर्मिनेटिकम होती है, यह है स्टेटम जर्मिनेटिकम, दूसरी है स्टेटम स्पाइनोसम, है इस बार स्टेटम टेरिनोसम, इसके बाद स्टेटम ल्यूसिडम, जो सबसे बाद में जो लेयर आती है दैट इज कॉल्ड द स्टेटम कॉर्निया, दैट इज द स्टेटम। ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है जो लगातार विभाजन कर रही है, और ये कौन सी लेयर है, ये आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर की तरफ। इस तरह से स्किन में इतनी लेयर्स पाई जाती हैं और लगातार अंदर से विभाजन करके सेल्स ऊपर की तरफ आती रहती हैं, और ऊपर की सेल में वियर एंड टियर लगातार घिसावट होती रहती है, जिसके फलस्वरूप स्किन लगातार निकलती रहती है। हमने आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में आज स्केलेटल टिश्यू बता दिया, उसमें बोनो कार्टिलेज बता दिया, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आपको ब्लड और लिम्फ बता दिया, ब्लड में आपको प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसेंस बता दिए, ब्लड कॉर्पसेंस में RBC WBC प्लेटलेट बता दिया, लिम्फ बता दिया। लिम्फ के बाद हम आते हैं किसमें, नर्वस टिश्यू में, नर्वस टिश्यू में आपको बता दिया न्यूरॉन्स होते हैं, नॉन पोलर, यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर, और नर्व बता दिया। नेचर के बेस पे सेंसरी और मोटर और मिक्स तीन प्रकार की नर्व होती हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर मल्टीपोलर न्यूरॉन का आपको स्ट्रक्चर बता दिया। फिर हमारे किस में, मस्कुलर टिश्यू में,
मीसोडर्मल होती है, जबकि नर्वस टिश्यू एक्टोडर्मल होती है। ये जो मीसोडर्मल पार्ट था इसमें 639 मसल्स पाई जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट मसल्स के नाम बता दिए, मेनली तीन तरह की मसल सेल होती हैं, स्ट्राइप्ड, अनस्ट्राइप्ड और कार्डियक, उसके बारे में बता दिया। फिर उसके बाद मस्कुलर टिश्यू के बाद हम आते हैं इंटेगुमेंट में। इंटेगुमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटेगुमेंट, ये हम कहते हैं स्किन। स्किन में जो एपिडर्मिस है उसमें कितनी लेयर हैं वो पता होनी चाहिए। इसके बाद अंदर आते हैं डर्मिस में, लिविंग लेयर होती है और जो रूट का जो हेयर होता है इस अंदर लेयर से जुड़ा होता है, इसलिए बाल खींचने पर पेन होता है, डर्मिस से जुड़ा होता है नीचे जा करके उसका फुला हुआ पार्ट। तो ये स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स का सेकेंड पार्ट आज कम्प्लीट हो गया, नेक्स्ट टॉपिक फिर लेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।